हमारे को वो आरक्षण नहीं मिलता 10% ये सोशली वीकर सेक्शंस के नाम पे सोशली वीकर सेक्शंस माना वीकर सेक्शंस कौन होता SC ST बैकवर्ड क्लासेस वुमेन और ये लोग वीकर सेक्शंस होता जो डिस्क्रिमिनेशन करा हुआ है सदियों से वो लोग वीकर सेक्शंस होता मगर आज एक मारवाड़ी सेठ एक करोड़पति अगर दिवाला निकल आते हो उन्हें स्पीकर सेक्शन से नहीं बन सकता और कल अमीर बन सकता क्योंकि अभी सोशली अपने अपने सोशली इकोनॉमिकली वीक सेक्शन स्पीकर सेक्शन के नाम पर हम SC ST को BC को और दूसरा फॉरवर्ड क्लासेस को उसमें से निकाल के वो अपने अमेंडमेंट से निकाल के उसको एक स्पेशल आरक्षण जो लागू कराया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है आर्टिकल 14 को विरुद्ध है सामाजिक न्याय को विरुद्ध है वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो विरुद्ध है वो टिकने वाला नहीं है फिर भी वो लोग जो सवर्ण बैठे है वो भी अपने न्याय करने को उम्मीद नहीं है क्योंकि कोर्ट में कोई भी न्याय मिलता पर नहीं समझते है अपने मंत्री जी ने बोला अपने गौतम जी ने बोला क्योंकि जजेस को कोई भी नहीं बोल सकते थे मगर ये समय है अभी जजेस के खिलाफ में भी अपन बोलने का समय है मैं ये आवाज उठा एक जज आंध्र प्रदेश से एक BC ST अगर रिकमेंड करे तो उन्हें बोलता उसके ऊपर पूरा घर दिलदा उन्हें वो उसका रिपोर्ट में लिखता है वो मैं पूरा रिलीज करा अपने पत्रकारों को जस्टिस चलमेश्वर ने भी उसके बारे में बोला और उसमें ऐसा जज आंध्र प्रदेश में आया सुप्रीम कोर्ट में बैठा है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनने वाला है वो दिन समझो पूरा ये खत्म ये सामाजिक न्याय का खत्म होने वाला है वो लोग SC ST क्योंकि उसका जींस उसमें भरा हुआ है मगर अपने जो राम मनोहर लोहिया अपने जो लोहिया है और अपने सामाजिक ये लोग है जयप्रकाश नारायण है और उसका भी एक प्रतिनिधि है अपने मनोज झा एक उसका अपने रिप्रेजेंट करते है उस वास्ते उस दिन उसके संविधान के जो RJD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें उसके विरोध किया है उसका सवर्णों ने उसको गालियां दिया उन्हें बर्दाश्त करा मगर हम उसको मैं इतना दिल से उस बात करके मैं बधाई दिया हम लोग अपने एमपी को अपने मंत्रियों को क्यों अपने को वो लोग नहीं बोल रहा क्यों अपने चुप बैठे हुए जो मंत्री साहब बोले जैसा हम भी उसको घेराव करना हम भी उसको जो स्थान बिछाना अगर सही अगर हम हमारे जो ये लोग पूरा सपोर्ट करा उसको हरा दिए तो उसको जो सबर अगर सिखाना होता है उसको हरा देना नहीं तो उसको पार्टी को छोड़ के अपने साथ आना यही एक रास्ता है क्योंकि ये लोग समझते उसी दिन में जिस दिन अपने जो यूनियन कैबिनेट ने ये बिल अप्रूव किया उसी दिन में आवाज उठाया उसी दिन में इंटरव्यू दिया और नेक्स्ट डे पत्रकारों ने पूछा अगर ये पास हो जाएगा पार्लियामेंट लोकसभा में पास हो जाएगा क्योंकि हमारे PC है अपने बैकवर्ड क्लासेस का पार्टी एक भी नहीं है उधर और जब अपने मायावती अखिलेश ने भी सपोर्ट किया ये खत्म हुआ अपने सामाजिक न्याय रक्षा करने के वाले ये भी बचा जिंदगी में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ वो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जो भी ये लिया जेल भी गया मगर देखो वहां से भी अपने आवाज अपने सदस्यों से ये उठाया अपने को एक हिम्मत दिलाया अपने को हौसला दिलाया उस वास्ते मैं उसी दिन मैं अपने बधाई दिया अपने मनोज झा को और मैं ये इतना खुश हुआ तेजस्वी यादव अपने बीच में है युवा नेता है और पूरा यशस्वी नेता है मैं इस दिन अरे एक एक दो दो दिन को एक रास्ते में जा रहा हूँ परसों मैं अपने केरला गया तो वहाँ के मुस्लिम लीग ने भी पूरी दिल से इसका असमर्थन किया
उसको अपने अपोज किया। वो लोग बोला अपना अगर तेजस्वी यादव यहाँ है तो कोझिकोड में है तो 1,00,000 लोगों के हम महासभा करेंगे, उसको भारत के नेता करेंगे। पैसा क्योंकि अपने तो मेरा विनती है तेजस्वी, आप पूरा भारत में हर राष्ट्र में घूमना है, हम तैयार करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, तेलंगाना में करते हैं, पहला और 20 तारीख के और 21, 22 जो भी दिन आपको तैयार है, कोझिकोड में वहाँ पूर्व मंत्री है, आपको पहचानते भी है, उसको आपको रिक्वेस्ट किया है, अगर डेट लिए तो वहाँ बड़ा आंदोलन केरला से साउथ एंड से हुआ हो जाएगा। अभी मैं 11 तारीख को जंतर मंतर पे परमिशन लिया हूँ, मेरा भाइयों मैं आपको सब बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ, उस दिन हजारों लोगों से पूरा दिल्ली बंद हो जाना, इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में 11 तारीख फरवरी में जो वोट ऑन बजट चल रहा है उस दिन वो अपने जो धरना में आपका सब को स्वागत है, हम सब मिलकर वो धरना को खत्म करेंगे। और साउथ में से 200-300 लोग आ रहा, मगर नॉर्थ में से कितना होना 20,000 लोग आना, क्योंकि आप गर्व वाले है, हम बाल वाले है, क्योंकि हमारे हमारे को इनवाइट करके हम घर घर से या महिलाओं से पूरा उसका भर देना चाहिए, तब वो लोगों को आंखें खुल जाएगा और समझ जाएगा, वैसा ही आंदोलन पूरा चलाएंगे। मगर इसका मैं जब नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस था, दोनों पार्टियों से मेरे को अनुभव है, भले कांग्रेस सरकार ने मेरे को नियुक्त किया, किए बाद जाटों को ओबीसी में मिलाना बोल के पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मेरे इतना प्रेशर हुआ, जिंदगी में भी कभी भी इतना प्रेशर हुआ, फिर भी जाटों को मैं ओबीसी लिस्ट में नहीं मिलाया, स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट से उसको रिजेक्ट करा, रिजेक्ट करे तो वो सरकार ने फिर उसको मिलाए तो, और उसमें किसी लोगों में सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वेश्चन करे तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का नोटिफिकेशन काट के मेरा कमीशन का रिपोर्ट समर्थन किया, अभी वो लोग सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। वैसा मैं बहुत से भाई सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल से 2011 जो 2014 तक पूरा खत्म हुआ जनगणना, अभी उसका जो अपने नेता है पार्लियामेंट में लड़के वो अपने काउंसिल से कराया, मगर अभी तक क्यों पब्लिश नहीं कर रहा, अभी तक मंडल जी ने रोस्टर के बारे में बोल रहा था, रोस्टर के बारे में मंडल रिपोर्ट में यही है, जो भी SC ST अपने मेरिट में सेलेक्ट हुआ उनमें मेरिट हो जाता, उसका इसके ऊपर कोई भी लेवल नहीं रहता, वो मेरिट ही है। बाद में जो रोस्टर जो बाद में उसको 50% हर साल पिछड़ी के भी अपने बैकलॉग भी गिनती में नहीं लेना, ये हर एक साल जितना होता उसमें आधा पूरा आपने जो वैकेंसी मैं पूरा रोस्टर माना, पोस्ट बेसिस नहीं है, पूरा वैकेंसी बेसिस बोल के मंडल भी रिकमेंड किया, मैं भी रिकमेंड किया, अगर ये लोग अपने कुनियती से और अपने वेरी क्रूयली अपने यूनिवर्सिटी में पीसीस को एसोसिएट प्रोफेसर को रिजर्वेशन नहीं है, SC ST को है, उस वास्ते एक भी पीसी प्रोफेसर नहीं है आज पूरा यूनिवर्सिटी में, और इसका भी सबर भी नहीं सिखाया बीजेपी वालों ने, हार गए बाद भी सबर नहीं सीख लिया, उस वास्ते हम सब मिलके उसको सबर सिखाना चाहिए, उसको सीधा करना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण की समीक्षा करना चाहते थे 2 साल से षड्यंत्र हो रहा था, आपने नागपुर सेंट्रली ओके, आपने ये हिंदू राज्य बनाना चाहता है, ये सेक्युलर बोर्ड निकालना चाहते हैं, ये पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, और यही अगर अपन नहीं रोक लिया ये सिविल वार हो जाएगा, ये भारत में पूरा अपने अंदर हो जाएगा और उन्हें नहीं बचेगा और उसका कांडा नहीं बचेगा, उस वास्ते मैं बोल रहा हूँ पूरा, क्योंकि वो लोग क्या हुआ बुद्धि हुआ कांग्रेस वाले को पता नहीं है, BSP SP वाले को पता नहीं है, उस वास्ते मैं बहुत बधाई देता हूँ RJD को, आपको, AIDM को, मुस्लिम लीग को और अपने MIM को बधाई देता हूँ, मगर वो सबसे पूरी दिल से वो लोग वॉकआउट करें,
मगर खिलाफ में वोट करा एक ही आरजेडी। उस वास्ते आरजेडी अपने भाई है, अपने मित्र पार्टी है, आपको उसको समर्थन करना चाहिए।